like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Good morning, namaskar, welcome back to the channel and welcome to a very peaceful Sunday morning. Time हो रहा है सुबह के 6:30 पहले मैं उठा था, तो इसका मतलब हम जिम जाने के लिए रेडी है. आज हमें लगाना है एक पुल बी वर्कआउट. लेकिन जिम जाने और वर्कआउट लगाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना था और उसके लिए मुझे चाहिए थी एक शांत जगह, क्योंकि सब सो रहे हैं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. तो मेरे दिमाग में एक ही रूम आया. We can sit together. It's so beautiful. हाँ जी, तो मुझे आपसे बात करनी थी इस बुक के बारे में. इस किताब का नाम है Who Says Elephants Can't Dance. बहुत फनी नेम है. ये किताब है मिस्टर लुइस वी गेट्सनर जूनियर के बारे में. आई होप मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ. ये इन्होंने ही लिखी है और ये स्टोरी है इनकी जब ये IBM के CEO बने थे और जितना टाइम इन्होंने IBM में बिताया IBM को टर्न अराउंड करने के लिए. IBM हम सबको पता है बहुत ही बड़ी कॉरपोरेशन है, बहुत पुरानी अमेरिकन कंपनी है, बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है इसने IT इंडस्ट्री को. हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, छोटे कंप्यूटर, बड़े कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप्स, हर टाइप से कंप्यूटर बनाते थे, उनके सॉफ्टवेयर भी बनाते थे. तो पॉइंट ये है कि 1990s में एक वक्त ऐसा आया था कि जब IBM डूबने वाली थी, बैंकक्रप्ट होने वाली थी, प्रॉफिट उनके गिर रहे थे, इनोवेशन उस कंपनी में जीरो हो चुका था, इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी थी कि उसे मैनेज करना मुश्किल था, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग आइसोलेशन में काम कर रहे थे, कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होता था, सब सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के सक्सेस के बारे में सोचते थे. तब बाहर से मिस्टर लुइस को लाया गया था. ये इससे पहले मैकेंजी में काम कर चुके थे, अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर चुके थे, तो काफी एक्सपीरियंस थे. तो ये किताब मैं जितना पढ़ रहा हूं मुझे उतना इंप्रेस कर रही है. मैंने आधे से ज्यादा ये किताब पढ़ ली है. पूरे पढ़ने का भी मुझे वेट नहीं हुआ, मुझे लगा ये मुझे आपके साथ शेयर करना ही चाहिए. मुझे काफी कमेंट्स भी आते हैं ये पता करने के लिए कि मैं किस टाइप की रीडिंग करता हूं. तो मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूं जिससे मैं कुछ सीख पाऊं. फिक्शन पढ़ने से मुझे मजा नहीं आता, वो क्रिएटिविटी आपकी इमेजिनेशन शायद इंप्रूव करे, पर इससे आप फैक्चुअल चीजें सीखते हैं जो आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं इससे क्या सीख रहा हूं, ये एक तरीके से किताब एक मिनी MBA है. तो आप में से जो भी लोग एस्पायर करते हैं कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर चढ़ना, अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आप चाहते हैं एक बड़ी पोजीशन पे पहुंचना, उसके लिए सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आप एक अच्छे लीडर बने, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छे से डेवलप हो, और उसी के बारे में एक किताब है. अब लीडरशिप के अंदर आपके ऑपरेशनल इश्यूज भी आते हैं, आपकी विजन भी आती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, हाउ गुड यू आर विद पीपल, ये सब भी आता है. तो इस किताब में ये सब डिटेल में समझाया गया है. सो ये किताब पढ़ने से किस किस को फायदा मिलेगा? जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं डेफिनेटली उनको तो मिलेगा, जैसे मैं, MBA स्टूडेंट, BBA स्टूडेंट. अगर आपका कोई अपना बिजनेस है और आप उसे एक अच्छी एंटरप्राइज की तरह रन करना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं, प्रोसेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, कॉस्ट सेविंग लाना चाहते हैं, आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, इन सब के लिए भी ये किताब एक तरीके से एक मिनी MBA है. अगर आपने ये किताब पढ़ी तो डेफिनेटली आप निराश नहीं होंगे. हो सकता है हर चीज आप अपनी लाइफ में अप्लाई ना कर पाए, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन अगर इसमें 500 चीजें हैं उसमें से 10 चीजें भी आप अप्लाई कर पाए, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगी. तो मिस्टर लुइस को भी IBM को टर्न अराउंड करने में काफी टाइम लगा. ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओवरनाइट चेंजेस कर दिए, लेकिन इस किताब में बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से ये बताया गया है कि उन्होंने बिजनेस को कैसे अप्रोच किया. ये एक नॉन टेक्निकल बंदे थे, तो किसी टेक कंपनी में कभी इन्होंने काम नहीं किया था. एक लेमैन होते हुए भी इन्होंने कितना लॉजिकली बिजनेस को अप्रोच किया, कैसे छोटे छोटे गैप्स ढूंढे बिजनेस में, कैसे उन्हें फिल करना शुरू किया, कहां से उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, ये सब बहुत आसान तरीके से और बहुत डिटेल में बताया गया. आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, चाहे आप IT में हो, चाहे आप HR में हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, हर डिपार्टमेंट में घुस के लुइस जी ने खुद पर्सनली देखा कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो वो काम क्यों नहीं कर रहा, और उसे ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं. सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो उनकी गट ने कहा और जो उनके एक्सपीरियंस ने कहा कि ये होना चाहिए, उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट किया. 9 out of 10 times ही वॉज राइट. वेरी इंप्रेसिव बुक. बहुत रिस्पेक्ट मिस्टर लुइस के लिए. बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस किताब से. बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब का. हाईली रिकमेंडेड. अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं और कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जिससे आप सीखें और आप कहें भाई मजा आ गया, तो ये किताब हाईली रिकमेंडेड है. टाइटल पे ना जाए, थोड़ा मजाक किया है, लेकिन बुक इज वेरी नाइस.
और बातों बातों में मेरी कॉफी ठंडी होगी, तो आज मैं अभी एंजॉय करूंगा अपनी ठंडी कॉफी और फिर निकलते हैं। आप देख रहे हो मैं रेडी हूँ, अब चलते हैं जिम और लगाएंगे फुल वर्कआउट। और गाइस वेदर की अपडेट ये है कि अपडेट अच्छी नहीं है, ओवरऑल टेम्परेचर बिल्कुल कम हुआ है। कहाँ 40, 42, 44 तक गया था टेम्परेचर, वो काफी कम हो चुका है, 30, 32 तक जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जबरदस्त है। आई थिंक 60-80% के बीच में ह्यूमिडिटी रेंज कर रही है दिल्ली की। आजकल टेम्परेचर 30-32 के आसपास रहना है मैक्सिमम, लेकिन फील्स लाइक 38-39 होता है हमेशा। तो सुबह उठते ही ह्यूमिडिटी आपको ऐसे हिट करती है जैसे ही आप एसी वाले रूम से बाहर निकलते हैं कि आपकी सुस्ती पसीने से एकदम से भाग जाती है। पहले अगर बारिश होती थी बचपन में मुझे याद है तो उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलती थी, मौसम बहुत प्लेजेंट हो जाता था। अब बारिश होती है लेकिन मौसम वैसे ही रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज फॉर रियल, ग्लोबल वार्मिंग का हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो आई थिंक जीवन धरती पे नष्ट हो जाएगा। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bags. आज ऑनेस्टली वर्कआउट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे हो तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था एलर्जीज के साथ, तो मैंने केमिस्ट पे जाके, एक केमिस्ट है मेरा दोस्त, उसने मेरे को एक एंटी एलर्जिक दवाई दी थी और कुछ जुकाम की दवाई दी थी जो मैंने 4 दिन ली, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। लेकिन एंटी एलर्जिक दवाई का साइड इफेक्ट होता है कि वो आपको थोड़ा सा ड्राउजी बना देती है, तो मुझे सुस्ती रहती थी, नींद रहती थी, इसलिए मैंने 4-5 दिन लेके वो दवाई बंद कर दी, कल ही बंद करी। और आज सुबह उठते ही वो एलर्जिक रिएक्शन रियकर किया, इतना सीवियर नहीं लेकिन एलर्जी थी मुझे, जिस वजह से थोड़ा सा हैवी हेड था, सर भारी था, अनकंफर्टेबल था मैं, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा था वर्कआउट में। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ कम लग रही थी, लेकिन इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्कआउट बहुत अच्छी नहीं थी। आई विल रेट टुडेज वर्कआउट 5 out of 10, स्ट्रगल करके वर्कआउट किया मैंने। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल गो एंड सी अ डॉक्टर। आई थिंक मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए, एलर्जी है जो भी प्रॉब्लम है, लेट मी गेट इट डिटेक्टेड एंड गेट रिड ऑफ इट। तो मैंने जिम से ही कॉल कर दिया था, मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है, डॉक्टर बैठेंगे अब से ठीक आधे घंटे के बाद, तो मुझे घर जाके क्विक शावर लेना है, आई थिंक ब्रेकफास्ट मैं आके करूंगा। तो नहाना धोना हो गया है, एक पोपट हो गया मेरे साथ, मैंने अपने ओट्स नहीं बनाए तो मेरे पास ब्रेकफास्ट है ही नहीं, अब जाके मुझे बनाना पड़ेगा, पहले जा रहे हैं डॉक्टर के। कल रात को मैं काफी देर तक एडिटिंग कर रहा था, आपने देखा होगा वीडियो की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई है, मैं ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा आती है उनको एडिट करने की टाइम पे। तो कल मैं थोड़ा देर तक एडिट कर रहा था तो इस वजह से मैं अपने ओट्स सोक करना भूल गया और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, बट आई कांट ब्लेम एनीवन। तो मुझे अभी डॉक्टर के जाना है, आई एम ऑन माय वे, इट्स जस्ट 5 मिनट्स वॉक फ्रॉम माय प्लेस, और वापस आके फिर कुछ ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और डॉक्टर्स के ना मैं खास जाना पसंद नहीं करता, और उसकी 3 वजह है। पहला, मुझे दवाइयाँ लेना पसंद नहीं है, मुझे कोई केमिकल्स फालतू के अपनी बॉडी में डालना पसंद नहीं है। दूसरा, डॉक्टर्स आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, डॉक्टर्स बहुत पैसा लेने लगे हैं आजकल। बचपन में मुझे याद है बहुत सस्ते होते थे डॉक्टर, 30-40-50-100 रुपये में हो जाता था, अब तो भाई 1000 रुपये का रहता है कुछ भी कराने जाओ, डॉक्टर की फीस और दवाई इंक्लूड करके। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए है वेटिंग, डॉक्टर्स के क्लिनिक पर टाइम मैनेजमेंट 0 होती है, तो कहीं भी आप जाओ, जो भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपको नंबर मिलता है, चाहे आप पहले से अपना नंबर रिजर्व करके जाओ, फिर भी आपको कम से कम आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता है। ये मुझे समझ नहीं आता यार, एक तो आदमी वैसे बीमार होता है, ऊपर से आप आधा पौना घंटा वेट करो, और मुझे ऐसे वेट करके टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो इसलिए इन 3 reasons की वजह से आई हेट गोइंग टू डॉक्टर्स। कैसे आप? दूसरा ट्रिप लग रहा है आपके पास? मेरे को सर कुछ दिन से ना एलर्जी लग रही थी, जैसे सर सुबह ठीक है,
तो मैंने 45 मिनट वेट किया, 45 मिनट्स। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे 5 मिनट के लिए देखा होगा केवल। उन्होंने ये बोला है कि सीजनल एलर्जी लग रही है और मुझे एक नेजल स्प्रे रिकमेंड किया है 15 दिन के लिए, और इसके लिए मैंने 500 रुपये की फीस दे दी। तो मुझे ये जस्टिफाइड नहीं लगता, 45 मिनट की भी वैल्यू होती है। काफ़ी लोग क्रिप कर रहे थे, सबको बुलाते रहते हैं जो अटेंडेंट बाहर बैठे होते हैं, सब वेट करते हैं आधा पौना एक घंटा। बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आती। अब आई होप ये नेजल स्प्रे मेरी हेल्प करेगा। Bird on a tree. इतनी लविंग वाइफ मिली है मुझे। मैं डॉक्टर के गया था, इसने पीछे से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है। थैंक यू इश्ता जी, खुद भी कुछ खा रही है। थैंक यू इश्ता जी। तो आज हम खाएंगे ब्रेकफास्ट चेंज है थोड़ा सा, 2 whole egg और 4 egg whites का ये ऑमलेट। इसके साथ खाएंगे हम 4 slices ऑफ ब्रेड। फ्रूट में पहले से ही खा के जा चुका था, तो ये होगा आज का ब्रेकफास्ट जो हो रहा है बहुत लेट। तो मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है, मैंने बनाया है पीनट बटर जैम सैंडविच। बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा सा हाई इन कैलोरी होता है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो एक स्लाइस पे पीनट बटर, एक स्लाइस पे जैम, बीच में जाएगा अंडा। ये बन गया हमारा पीनट बटर जैम ऑमलेट सैंडविच। टेस्टी है, बढ़िया। यहाँ जो कुक होना है उसकी मीटिंग चल रही है, प्रिपरेशन। जो समझाया पापा ने, समझ गई। मेन शेफ कुक नहीं करता, मेन शेफ डायरेक्शन देता है, कुक कुक करते हैं। आप कुक हो, आप शेफ नहीं हो, समझ गई कि नहीं? चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पता लगेगा बनने के बाद। एक कुड़ी घेर दी, कुछ घेरा, कुछ घेरा। ये क्या है, कहाँ से निकल रहा है पानी? निकलता ही जा रहा है। क्या बताऊँ, क्या पहले इसके बेचारे का पढ़ाई बहुत रहती है। स्कूल फिर ट्यूशन, स्कूल से आओ फिर खाना खाओ एक घंटे, स्कूल से आओ फिर खाना खाओ फिर एक घंटे सो। वो तो संडे था, अब एक दिन तो खेलेगा। तो भाई के पास टाइम नहीं है, सैटरडे को भी इसका स्कूल होता है। चलो जो भी प्लान क्या है, कौन सी मूवी है? अनचार्टेड मूवी नहीं आई है, लगाओ फिर। पहले मम्मी के लिए कपड़े उठा लो, फिर लगा लो। अपने कपड़े उठाओ, चलो। सो द ओरिजिनल संडे मूवी गैंग इज बैक। हम तीनों ने मूवी वाले संडे स्टार्ट करे थे, बीच में बंद हो गए पढ़ाई की वजह से, बाकी चीजों की वजह से, बट वी आर बैक। मूवी के बीच में लेंगे एक इंटरवल क्योंकि बन रहा है स्पेशल लंच, वो होगा इसके बाद। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. हाँ जी, तो आज क्या बन रहा है इश्ता, क्या है ये? ग्रिल चिकन है। ये ऑयलिंग हो रही है, ये कुछ आटे का पेस्ट है उसको क्रंची करने के लिए। ओके। और ये बटर मिल्क और एग का मैरिनेशन है। इसके बाद क्या होगा, ये एयर फ्राई में जाएगा। हाँ जी, क्या बन रहा है आज? फ्राइड चिकन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कोटेड विद सो मेनी थिंग्स, कुछ हर्ब्स है, गार्लिक है, ऑनियन है, उनके पाउडर है। तो नाम क्या है डिश का? फ्राइड चिकन। Nice, ये पहला लॉट है। ब्रोकली, कैरेट्स, छोटे वाले टमाटोज, स्प्रिंग अनियन, फ्रेंच फ्राइज भी है साथ में। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो मैं अब टेस्ट करने जा रहा हूँ, ये KFC टाइप चिकन है जो कि एयर फ्राई में बना है, इट्स नॉट डीप फ्राइड। साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और उसके साथ ये होल व्हीट की ब्रेड है। और अब विदाउट वेटिंग एनी फर्दर आई विल टेस्ट इट। लाइक अ बर्ड ऑन अ ट्री, आई एम जस्ट सिटिंग हियर। बढ़िया, गेट इट। आई गॉट टाइम, इट्स क्लियर टू सी।